लोग कितने देर तक देखेंगे और बैग में सिगरेट का पैकेट कहाँ से आया, इन दोनों का ही आंसर एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, स्टोरी टेलिंग। और उसमें अगर थोड़ा विजुअल क्रिएटिविटी ऐड हो जाए तो आहा। तो चलो करें ऐड। इन्फॉर्मेशन कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, उसमें अगर स्टोरी टेलिंग ठीक ठाक नहीं है ना, तो स्वाद हॉस्पिटल के खाने के जैसा ही आता है। फीका, जिसमें तड़का लगाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, मतलब स्टोरी टेलिंग में बहुत कुछ आता है जिन्हें हम अभी आने नहीं देंगे, क्योंकि उन सब को लेके एक साथ आऊँगा एक स्पेशल स्टोरी टेलिंग के डेडिकेटेड वीडियो में। अब इनमें से एक मीडियम साइज का टुकड़ा है विजुअल स्टोरी टेलिंग, अगर उसको भी हम मिडिल क्लास फैमिली की तरह डिवाइड करें तो बहुत सारे छोटे टुकड़ों में से एक है। इंसर्ट्स, जी हाँ, घुसाने वाली चीज़ है, लेकिन इससे बच्चे नहीं सेटिस्फेक्शन पैदा होता है आंखों के लिए, और वही आंख लंबे टाइम तक तुम्हारे स्टोरी को फॉलो करता है। सवाल, व्हाट इज इंसर्ट्स? फिल्म्स में सीक्वेंस होते हैं जिसमें बहुत सारे सीन्स होते हैं। अब सीन्स में बहुत सारे शॉट्स होते हैं, जैसे मास्टर शॉट जिसमें मेन स्टोरी चल रहा है, उसमें ही बीच में एक छोटा सा पार्ट या शॉट जिससे किसी एक्शन ऑब्जेक्ट या स्पेसिफिक किसी एक्टिविटी को और भी एम्फसिस किया जाता है, बीच में है, छोटा है, इंसर्ट्स। और इस छोटी चीज को लेके तुम बहुत सारा खेल खेल सकते हो, क्योंकि इसका प्लेग्राउंड ना बहुत बड़ा है इंसर्ट्स का। स्टोरी में जो मेन एक्टिविटी चल रहा है उसे एम्फसिस करना या फिर कोई स्पेशल मोमेंट को और भी इमर्सिव बनाने जैसा खेल तो है ही, बट खेल इंटरेस्टिंग तब होता है जब खिलवाड़ होता है दिल के साथ, इमोशंस, फीलिंग्स। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, तुम भी खेल सकते हो ऑडियंस की फीलिंग्स एंड इमोशंस के साथ इंसर्ट्स को इंसर्ट करके, क्योंकि इमोशंस फीलिंग्स में बहुत कुछ आते हैं, फियर, एंटिसिपेशन, मिस्ट्री, शॉक, एक्साइटमेंट, थ्रिल, सैडनेस, बहुत कुछ। और इंसर्ट इस रिलेशन में BFF की तरह काम करेगा, क्योंकि इंसर्ट्स में स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं, और फिल्म में अगर इंसर्ट सही तरीके से यूज हुआ ना, तो फ्रेम में जब भी कोई इंसर्ट शॉट आएगा ऑडियंस के दिमाग सबकॉन्शियसली समझ जाएगा कि समथिंग इम्पॉर्टेंट इज हैपनिंग, जिसे यूज करके तुम बहुत टाइप की इमोशंस को कन्वे कर सकते हो। एक्टर को ऑन सेट रोना नहीं आता, बट घर छोड़ के जाने वाली चिट्ठी लिखते टाइम रोना दिखाना ही है, तो कोई बात नहीं, लास्ट में एक इंसर्ट ऐड कर दो, जो करने से वो सॉरो या सैडनेस के इमोशन और भी उभर के ऑडियंस तक पहुंचेगा। नहीं, एक्टिंग कवर नहीं होती इंसर्ट से, बट जो कवर होता है उनमें से एक है एंटिसिपेशन। आई होप अभी जो तुम्हें फीलिंग हो रहा था जब हाथों वाला शॉट आ रहा था, कुछ होने का एंटिसिपेशन क्रिएट कर रहा था, पता चल रहा था कि कुछ होने वाला है। सिमिलरली स्टोरी अगर फर्स्ट डेट नाइट की तैयारी को फॉलो कर रहा है, मेन शॉट्स में ड्रेसिंग वगैरह और घर से निकलने वाली एक्टिविटी को कवर करने के बाद लास्ट में एक इंसर्ट घुसा दो। ग्रेट डायरेक्टर्स लाइक क्रिस्टोफर नोलन, डेविड फिंचर, कोएन ब्रदर्स, एनी वन विथ ए ग्रेट डायरेक्शन टैलेंट इंसर्ट्स लेके बहुत खेलते हैं। इंसेप्शन की पॉपुलर इंसर्ट सीन याद है? मेरा 100K का स्पेशल वीडियो में भी मैंने एक स्पेसिफिक टाइप का इंसर्ट शॉट्स यूज किया टू रिवील द प्ले बटन कि कैसे स्टार्ट करना है मे बी। तो क्रिएटिव फिल्म मेकिंग अगर देखा है तो पता होगा कि कौन सी इमोशंस को वो बढ़ा रहा था। मूवीज में ये सबसे ज्यादा यूज होता है, जितना मूवीज देखोगे उतना नोटिस करोगे और उतना सीखोगे, बिकॉज सीखना, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें तुम्हें दिल खोल के मदद करने वाले जो है वो है स्किलशेयर, टुडेज वीडियो पार्टनर। 10 नहीं 20 नहीं, स्किलशेयर इज एन ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी विद थाउजेंड्स ऑफ टॉप नॉच क्रिएटर्स एंड लीडर्स। एग्जाम्पल चाहिए? मैंगो स्ट्रीट। अब इनके हजारों क्रिएटर्स में से जिनमें इंडियन भी है, लेली सिंह, अंकित भाटिया, मैंगो स्ट्रीट ही क्यों फिर? वेल, रेचल एंड डैनियल प्रोडक्ट फोटोग्राफी और शूट में जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना इस क्लास में स्किलशेयर की, प्लानिंग से लेके लोकेशन, लाइटिंग, स्टाइलिंग, सब कुछ, जो मेरा मदद कर रहा है बहुत। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो साइमन, आदि सिंह, सारा डेची, इनकी ही प्रीवियस क्लासेस जैसा ही एक तगड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा मुझे इससे भी। और ऐसे प्रोडक्ट फोटोग्राफी जैसे और भी अमेजिंग स्किल्स लाइक एनिमेशन, क्रिएटिव राइटिंग, लाइफ स्टाइल, प्रोडक्टिविटी, ऐसे काफी सारे करियर बिल्डिंग स्किल्स को तुम सीख सकते हो बिना किसी एड्स के। मैं कुछ प्रोडक्ट लेने की सोच रहा था अपने पैसों, इसीलिए प्रोडक्ट फोटोग्राफी। पैसों से याद आया, स्किलशेयर एनुअल सब्सक्रिप्शन इज लेस देन 1800 रुपीज अ ईयर, रफली 150 रुपया महीने का। बाहर ना जाके घर में ही ब्रेकफास्ट कर लो महीने में एक बार बस, जिससे तुम्हें मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस टू देयर एंटायर ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ क्लासेस ऑन स्किलशेयर। और जो मेरा डिस्क्रिप्शन से कस्टम लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करेंगे, जो पहले 1000 लोग नीचे डिस्क्रिप्शन से कस्टम लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करेंगे, दे विल गेट 1 month फ्री ट्रायल। तो सोच क्या रहे हो, जाओ ज्वाइन करो, क्योंकि सोचने वाला काम तो अभी आएगा। सारे खेल यही पे है कि इंसर्ट्स को सोचे कैसे, वैसे ही जैसे अपने क्रश को सोचते हो, फीलिंग से। और फीलिंग कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे घुस रहा है या पीछे,
सीन्स में इंसर्ट्स, इंसर्ट शॉट्स में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है। तुम्हारे स्टोरी में अगर कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है या स्टोरी की एक स्पेसिफिक जगह पे शॉक, एंटिसिपेशन, मिस्ट्री, थ्रिल इस जैसा कोई फीलिंग को और एम्फेसिस करना चाहते हो तो उसके हिसाब से स्टोरी को देखो, सोचो, शॉट्स में सोचो, नोटिस करो कि कौन से वाले पार्ट को तुम और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हो और स्टोरी में वो एक्चुअली हेल्प भी कर रहा है। सीन या एक्टिविटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो वहां पे जबरदस्ती मत घुसाओ, दर्द होगा ऑडियंस को। बट सबसे कम दर्द वाली पार्ट जो है वो है, क्योंकि दिस इज द इजीएस्ट पार्ट। तुम कभी भी मेन शॉट्स के बीच में सेम लाइटिंग, सेम सेटअप पे कुछ चेंज ना किए हुए बहुत इजीली एंड फास्ट इंसर्ट शॉट ले सकते हो, बस कैमरा एंगल एंड फोकल लेंथ को थोड़ा चेंज करते हुए, क्योंकि बेसिकली ये बहुत क्लोज अप शॉट्स होते हैं तो तुम्हें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा लाइटिंग एंड सेटअप में, क्योंकि तुम लाइटिंग को ना मूव भी कर सकते हो थोड़ा अपने हिसाब से और स्पेसिफिक उसी शॉट के लिए बेस्ट पॉसिबल लाइटिंग एंड बैकग्राउंड सेटअप क्रिएट कर सकते हो जो फ्रेम में नहीं दिखेगा, जो बड़े फ्रेम के लिए दिक्कत है, छोटा है इसीलिए फ्लेक्सिबल है। क्योंकि इंसर्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी पे ही होता है और इंसान मन में भी पास से ही देखते हैं इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को, इसीलिए क्लोज अप्स एंड लॉन्गर फोकल लेंथ, मतलब वाइड एंगल नहीं, थोड़ा लॉन्गर फोकल लेंथ लोगे तो स्पेसिफिक चीजों पे फोकस और भी ज्यादा और भी कड़क होगा। गाली अगर क्रिटिक्स की खानी नहीं है तो मेन शॉट्स और मेन सीन के साथ इंसर्ट शॉट्स का कंटिन्यूटी सही रखना। मेन शॉट पे अगर हाथ गालों पे है तो इंसर्ट शॉट पे भी वही होना चाहिए। लाइटिंग का एंगल्स भी और फीलिंग जितना इंटेंस, मूवमेंट्स उतना ज्यादा, कैमरा की कर सकते हो जिससे स्टोरी टेलिंग में एक लचक आएगा तुम्हारा। ये मेनली फिल्म्स में ही बहुत ज्यादा यूज होता है बट YouTube नाजायज थोड़ी है। YouTube वीडियोस के लिए भी तुम्हें गियर्स का सेटअप, उसको चार्जिंग करना, मेनली कैमरा की बैटरी को चार्जिंग करना, लाइटिंग, स्क्रिप्टिंग सभी तैयार करना पड़ता है ताकि कैमरा को ट्राइपॉड के ऊपर सेट वेट करके जब तुम शूट करने फाइनली बैठो तो अच्छे से सुकून से हो जाए सब। तो उसमें स्टोरी टेलिंग क्यों नहीं डालोगे जिससे ऑडियंस को भी थोड़ा सुकून मिले। सोच लो नॉर्मल वीडियो हो गया मैगी और स्टोरी टेलिंग हो गया पहाड़, ऐड कर दो दोनों को। बट ऑलवेज रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट स्टोरी टेलिंग इज फक।